हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सीलिंग फ़ैन का डाटा बताने वाले हैं। 14+14 यानी 14+14 की जो सीलिंग फ़ैन डाटा है वो ओरिजिनल डाटा आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो डाटा आपको बताऊँगा, इस डाटा को आप अगर स्टैम्पिंग साइज़ आपका दूसरी किसी कंपनी का सेम टू सेम होती है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डाटा है दोस्तों बिल्कुल ही ओरिजिनल डाटा है, और इससे जो स्पीड है दोस्तों आपका पंखा की, वो मतलब क्या ही बोलूँ, जो नया पंखा आप खरीद के ले आते हो सेम टू सेम स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों एक बार इस डाटा से एक बार पंखा आप वाइंडिंग करके देख लेना, आप खुश हो जाओगे। तो देखिए, मैंने इस डाटा से दोस्तों ये पंखा को रिवाइंड किया है, और ये किस कंपनी का डाटा है वो भी आपको बताऊंगा, और डाटा कैसे कलेक्ट करना है वो भी आप देखेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखते रहना, तभी आपको सब कुछ पता चल जाएगी। अगर आपने 3 लीड का कनेक्शन कैसे निकलते हैं नहीं जानते हो तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से जाकर जरूर देख लेना। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, इस कंपनी का डाटा है तूफान कंपनी का, इसी का ये स्टेटर है जिसको मैंने रिवाइंड किया है, और वाइंडिंग देखिए दोस्तों कितने अच्छे से फिनिशिंग हुआ है, और वाइंडिंग देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से दोस्तों आप अगर वाइंडिंग करेंगे तो आपका भी इसी तरह से पंखा देखने में भी अच्छा लगेगा, और रिवाइंड भी अच्छा होगी, और स्पीड भी आपको बिल्कुल सही मिलेगी। तो कॉपर वायर से दोस्तों आपको वाइंडिंग करना है। तो चलिए, हम आपको सबसे पहले डाटा कैसे मैंने निकाला है वो दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ आपको डाटा भी पता चल जाएगा। तो पहले दोस्तों इस पंखा का क्या सिचुएशन था देखिए, और इसका कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। 65 वाट 40 इंच का ये सीलिंग फ़ैन है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, 3 ब्लेड इसमें लगाई जाती है, और इसका जो बॉडी है वो एलुमिनियम का है और हार्ड बॉडी है। देखिए, कंपनी का जब कॉइल वाइंडिंग था तो कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हो, ये देखिए। और इसका जो कॉइल है वो CNC मशीन से रिवाइंड किया हुआ है, और बिल्कुल ये सील कॉइल है, आप देख सकते हो ओरिजिनल कॉइल है ये। और इसी से दोस्तों हमने डाटा निकाला है इसकी, ये देखिए स्टार्टिंग कॉइल है अंदर वाला, और जो बाहर आप देख रहे हो वो रनिंग कॉइल है, और ये CNC मशीन से रिवाइंड किया हुआ कॉइल है, इसलिए और भी अच्छा देखने को लग रहा है। तो हम तो ग्लोब मशीन से दोस्तों रिवाइंड किया है, CNC से नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम कॉइल काट के इसको निकाल देते हैं, और उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। देखिए दोस्तों, कॉइल हमने कटिंग कर लिया है, और इसमें से स्टार्टिंग और रनिंग का दो कॉइल को अच्छे से बांध दिया है, ताकि उसी से हमने डाटा निकालना है, ओरिजिनल डाटा निकालना है। देखिए, कॉइल सब कुछ निकाल दिया है, स्टार्टर खाली हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने कॉइल को काट के अलग अलग कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर रनिंग का कॉइल रख दिया हूँ साइड में, और यहाँ पर स्टार्टिंग का कॉइल रख दिया हूँ साइड में। अब यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर स्लॉट काउंट करके दिखा देता हूँ। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो स्टार्टिंग में अंदर में 14 स्लॉट रहेगी दोस्तों, रनिंग में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो रनिंग में भी दोस्तों यहाँ पे 14 स्लॉट होगी, और 14 ही कॉइल होगी। तो यह इसका स्लॉट और कॉइल है। देखिए दोस्तों, इस स्टार्टर का गोलाई साइज भी आपको मैं नाप के दिखा देता हूँ, आप भी नाप के सब कुछ अगर सेम होगी तभी जाके डाटा इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो गोलाई साइज़ है वो 16 इंच यानी 16 इंची है गोलाई में, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टर की गोलाई साइज़। अब देखिए, इसका स्टैम्पिंग साइज आपको नाप का दिखाएंगे, तो आप भी नाप के ही इस्तेमाल करना स्टैम्पिंग साइज़, जहाँ पे बिल्कुल कोर जुमा हुआ है दोस्तों वहाँ पे ही जो है स्केल से नापना, ठीक है। फाँक फाँक जहाँ पे है वहाँ पे नहीं नापना है, बिल्कुल जुमा हुआ जिस जगह पे है उसमें आपको नापना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको माइक्रोमीटर से दोस्तों यहाँ पर नाप के दिखा देता हूँ, गेज इसका कितना मोटा है, इससे सबसे अच्छा पता चल जाती है। उसके बाद स्केल से भी आपको दिखाऊँगा नाप के, कोई चिंता की बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्केल से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में देखिए ये 1 mm से लेकर 5 mm, 10 mm, और उसके बाद आती है दोस्तों यहाँ पे 15 mm तक यहाँ पे जाकर रुक जाती है। लेकिन इसके नीचे अगर देखेंगे दोस्तों, और भी एक आपको दाग दिखाई देगी 1 mm का, यानी 15+1 यानी दोस्तों यहाँ पर टोटल आती है 16 mm, यानी 16 mm दोस्तों ये स्टैम्पिंग साइज है इसका, ये हमको यहाँ इससे पता चल गया। आप आपको स्केल से भी नाप कर दिखा देता हूँ। देखिए, स्केल से अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल से भी इसका 16 mm आ जाती है,
इस तरह से नाप के आपको देख लेना है, तभी जाके डाटा इस्तेमाल करना है आपको, बिल्कुल सही स्पीड और सही रिजल्ट मिलेगी। दोस्तों आप क्या करेंगे, हम कॉयल गिनती करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग कॉयल है इसको हम काउंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कितना टर्न है इसमें। तो यहाँ पे देखिए राउंडिंग और स्टार्टिंग का कॉयल हमने काउंट कर लिया है। तो ये जो फास्ट कॉयल हम रिवाइंड करते हैं अंदर में, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कॉयल। तो उसका ही डाटा सबसे पहले आपको बोलते हैं। तो ये देखिए स्टार्टिंग कॉयल का एक कॉयल मैंने काउंट करके रख दिया था। तो आप यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिए ये हो गया 100, ठीक है। उसके बाद आती है 200 और ये होगा 300। तो दोस्तों ये टोटल हो गया 300 और साइड में जो देखे दोस्तों ये 19 टर्न है, यानी 90 टर्न आपको यहाँ पे देना होगा, यानी 390 टर्न दोस्तों आपको एक एक कॉइल में स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, 390 टर्न, ठीक है स्टार्टिंग में। अब इसमें से हम दोस्तों एक वायर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे कितना SWG गेज का वायर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, वो भी चेक करना है, ठीक है। तो इस तरह की एक वायर हमने ले लिया, इसको हम आग से जला लेते हैं, तभी जाके इसका इंसुलेशन निकल जाएगी और सही SWG निकल के आएगी। तो हमने यहाँ पे आग से जला लिया, इसके बाद इसको एक कपर की मदद से क्लीन कर लेंगे, तभी जाके यहाँ पर दोस्तों इसका सही नाप आएगी। तो चलिए हम माइक्रोमीटर के मदद से दोस्तों इसको गेज निकालेंगे। अगर आपके पास माइक्रोमीटर नहीं है तो आप खरीद सकते हो ऑनलाइन में, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है इसका, इस प्रोडक्ट का। आप वहां से जाके जो दोस्तों अमेजोन से इसको परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस माइक्रोमीटर का। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोमीटर के अंदर में सबसे पहले इसको जीरो करने के बाद अंदर में रख देना है इसको, और इस तरह से घुमाना है। और यहाँ पर देखिए माइक्रोमीटर में हमारा यहाँ पर इसके बाद अब नहीं जा रहा है, यहाँ पर रुक गया। तो हमें आपको गिनती करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे आप देखिए 20 का जो बड़ा लाइन है, उसके बाद और एक लाइन ऊपर की तरफ है, यानी 20 + 1 जो है बेस लाइन के बराबर मिल हो चुकी है। तो इसको ही हम काउंट करेंगे 21, ये हो गया हमारा mm, 0.21 mm इसका हमारा साइज हो गया। उसके बाद इसको हम देखेंगे mm में चार्ट में। तो देखिए चार्ट में जो है, चार्ट आपको जो है हमारा इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको दे दूँगा। ये mm में आप देखिए, और यहाँ पे गेज नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम mm में देखेंगे 0.21 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 0.21 यहाँ पे लिखा गया है mm में, मतलब इसका गेज कितना आएगी हम देखेंगे इस लाइन में, 35 नंबर। देखिए यहाँ पे गेज दिया गया है 35 नंबर, यानी 0.20 mm, मतलब 35 नंबर का वायर हमको स्टार्टिंग कॉइल में इस्तेमाल करना है दोस्तों। और यही इसका सही गेज है और ओरिजिनल गेज है। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको 35 नंबर का कॉपर वायर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो चुकी है, चलिए अब रनिंग कॉइल में देख लेते हैं। रनिंग कॉइल दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, रनिंग कॉइल मतलब जो बाहर में हम रोइंडिंग करते हैं लास्ट में, इसको हम रनिंग कॉइल बोलते हैं। तो इसको अब काउंट हमने एक कॉइल करके रख दिया है पहले ही, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसका कितना टर्न इसमें दिया गया है वो भी आपको बता देता हूँ, देखिए एक एक करके सब कुछ पता चल जाएगी। ये हो गया 100, और उसकी बात आती है ये 200, उसकी बात आती है यहाँ पर 300। तो टोटल यहाँ पे 300 हो गया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे कुछ वगैरह देख रहे हैं, 45 टर्न, यानी यहाँ पे दोस्तों आपको देना होगा 345 टर्न, ठीक है। 345 पाक आपको यहाँ पे लपटना होगा रनिंग कॉइल में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से भी एक हम वायर निकाल लेंगे और इसका SWG निकालेंगे कि इसमें कितना गेज का वायर इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए एक हमने वायर ले लिया, सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसको भी हम आग में जलाएँगे इसकी इंसुलेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखिए जला लिया है। अब इसको अभी माइक्रोमीटर का मतलब दोस्तों हम गेज निकालेंगे, सही गेज निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोमीटर हम इस तरह से रख देंगे, उसके बाद इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और देखिए यहाँ पे स्केल में ये अटक चुकी है, इसके बाद ये नहीं जाएगी, मतलब इसका गेज यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो चलिए हम इसको काउंटिंग करके आपको दिखा देते हैं। ये हो गया देखिए 20 के बाद ऊपर में आती है 20, देखिए 21 आती है, 22 आती है, और 23 जो 23 लाइन है वो बेस लाइन के साथ बराबर मैच हो चुकी है, मतलब यही इसका दोस्तों डिजिट हो गया 0.23 mm, ठीक है। 0.23 में हम चार्ट में खोजेंगे दोस्तों, चलिए चार्ट लेके आते हैं। ये देखिए चार्ट जो हमने बनाया है, ये चार्ट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, मैसेज कर देना मुझको। तो यहाँ पर 0.23 हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0.23 mm, तो इसको हम गेज नंबर कितना होती है इसका आप देखेंगे। चलिए 0.23 34 नंबर, यानी इसका गेज रहेगी दोस्तों 34, इसका गेज नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों। रनिंग कॉइल में हमको देना पड़ेगा 34 34 नंबर का कॉपर वायर इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग में गेज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे एक सवाल है आपके मन में, जो ज़्यादातर जो नया नया वाइंडर है जो काम नया नया सीखा है वो उसका मन में एक सवाल होती है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में टर्न ज़्यादा हो गया और रनिंग में टर्न कम किस लिए हो गया।
देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में जो हमने ट्रान आपको बताया है उसका गेज पतला है, ठीक है। और रनिंग में जो गेज हमने बताया वो उसका गेज मोटा वायर है, इसलिए रनिंग में ट्रान कम होगी और स्टार्टिंग में ट्रान ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रान पतला वायर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अगर एक ही गेज का वायर होती तो स्टार्टिंग में ट्रान कम होती और रनिंग में ट्रान ज़्यादा होती। हो गया दोस्तों आपका डाउट क्लियर, क्योंकि किसी किसी मन में इस तरह का सवाल होती है। तो चलिए अब इसका हम कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। सबसे पहले जो खाली स्टेटर है उसका वेट आपके होगी 1 किलो 81 ग्राम की आसपास, देखिए यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इस जो स्टार्टिंग कॉइल का वायर होगी दोस्तों, उसकी वेट मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 113 ग्राम्स के आसपास, ये चलिए हो गया। उसके बाद रनिंग कॉइल का देखिए यहाँ पे 135, लेकिन एक कॉइल दोस्तों काटा हुआ था, कम था, तो हम एक कॉइल स्टार्टिंग का लेके यहाँ पे दे देते हैं। देखिए ये हो गया 143 ग्राम्स। तो अब हम टोटल देखेंगे कितना वायर यहाँ पे लगेगी हमको इस पंखा में। देखिए 200, और एक कॉइल हम और लगाएंगे कि एक कॉइल नहीं था कॉइल में, तो हम बाहर से एक कॉइल यहाँ पे रख देते हैं। ये देखिए तो हो गया 254 ग्राम्स। आप मान लीजिए 260 ग्राम के आसपास टोटल आपको वायर लगेगी इस पंखा को रिवाइंड करने के लिए। और इसी डाटा से दोस्तों हमने वाइंडिंग किया है, और वाइंडिंग कितना अच्छा हुआ है, और इसका जो रिजल्ट है दोस्तों बहुत ही बढ़िया, आपको क्या ही बोलूँ, 100% सक्सेसफुल, और बहुत ही अच्छे स्पीड से दोस्तों पंखा चलेगी अगर आपकी स्टम्पिंग साइज सही है। और इसी डाटा आप इस्तेमाल कीजिए। आई होप को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।